दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया और इसी चक्कर में कोई भी क्लास की वीडियो नहीं गई, बैठे हुए कमेंट्स पर रहे। तो एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर जी बीएससी के साथ में अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम निकल रहा है तो क्या हमें कंप्यूटर कोर्स कर लेना चाहिए और अगर करना चाहिए तो कौन सा करना चाहिए। फिर बहुत सारे उसमें रिप्लाई आने लगे, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारी बातें हुई, तो मेरे दिमाग में आया कि चलो आज इस कम समय का इस्तेमाल किया जाता है और इस वीडियो को आप तक पहुंचा दिया जाता है। भैया कैसे पहुंचाएंगे सुनो, जब कभी भी आप भैया पड़ोस के लोकल सेंटर में जाओगे कंप्यूटर सेंटर में, तो वो आपको बहुत सारे कोर्सेज के नाम गिनवाएगा, लॉलीपॉप देगा भैया, जैसे एडीसीए कर लो, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, फिर आपसे कहेगा एसीसीए कर लो, बीसीए कर लो, बेसिक डिप्लोमा करा देंगे, और इस तरीके मान ले ट्रिपल सी कर लो, इस तरीके के बहुत सारे कोर्सेज वो आपको गिनवा देगा। और उन सबका बहुत बड़ा कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमने एडीसीए भी करा, पता नहीं कहां पढ़ा होगा, ट्रिपल सी भी करा, पता नहीं कहां पढ़ा होगा, ये एसिक बेसिक जितने हैं ये सब हमने कर रखे हैं और पता नहीं कहां पढ़े होंगे। तो आज की इस वीडियो में कुछ नया बताने वाले हैं, पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो भैया ध्यान से समझना, सबसे पहले अगर आप आते हो ओबीसी से, ध्यान से मेरी बात सुनना, ओबीसी से अगर आप आते हो तो आप क्या कर सकते हो, कोर्स होता है ओ लेवल। हम ये बिल्कुल नहीं बताएंगे कि आप ओ लेवल की तरफ चले जाओ, क्यों, क्योंकि ओ लेवल थोड़ा सा कठिन कोर्स है, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा भाई, ऐसे हवा में चीजें नहीं चलती हैं, प्रोग्रामिंग वगैरह सब कुछ होगा, कायदे से इसके पेपर होंगे और तब आप फंसते हुए नजर आ सकते हो कि अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छे बच्चे नहीं हो और इधर आपकी बीएससी की भी हालत बहुत अच्छी नहीं चल रही है, वो भी पढ़ने जैसे तैसे बैक एक लाल आगे पढ़ पा रहे हो, तो इस लेवल पर आप ओ लेवल में फंसते हुए नजर आ सकते हो। ठीक है, इन सबसे अच्छा हम आपको एक तरीका बताते हैं, ध्यान से सुनो। आपको क्या करना है, जब आपको कंप्यूटर सेंटर वाले के पास जाना है, सर जी के पास जाना है, जो भी जिनके पास भी जा रहे हो, आप उनसे एक बात कहना, कहना भैया मेरी जॉब लगने वाली, ध्यान से समझो हम क्या बता रहे हैं, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, कहना मेरी जॉब लगने वाली है और उस जॉब में अलग अलग सेंटर पर ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम आपको समझाते हैं किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है, ग्राफिक डिजाइनिंग मतलब थंबनेल कैसे बनेगा, पोस्ट कैसे बनेगा, यह सब, तो सबसे बढ़िया आपको सीखना पड़ेगा फोटोशॉप। ध्यान से सुनना मेरे भाई, फोटोशॉप आपको सीखना पड़ेगा, फोटोशॉप आपके बहुत काम की चीज है, पहली बात। दूसरा आप कोरल ड्रा सीख सकते हो, क्या सीखते हो, सीख सकते हो भैया कोरल ड्रा सीख सकते हो, कोरल ड्रा भी बहुत कायदे की चीज, जितनी भी प्रिंटिंग प्रेस वगैरह है जहां पर भी एडिटिंग होती है वो सारे लोग कोरल ड्रा पर ही काम करते हैं। यहां शाहजहांपुर के लेवल पर, छोटे लेवल पर अप्रोच करोगे तो 15,000, 20,000, 22,000 ऐसे सैलरी मिलेगी, बड़े लेवल पे दिल्ली वगैरह शहर में चले जाओगे 40,000, 45,000, 50,000। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था प्रोजेक्ट बेस्ड चीजें भी होती, एक एक वीडियो के, एक एक थंबनेल के, एक एक वीडियो के आदमी 10,000, 20,000, जैसे एक व्यक्ति है टेक बर्नर, कहीं हमने पढ़ा था कि वो अपनी एक वीडियो एडिट कराने के 25,000 से 30,000 रुपए देते होंगे भाई, जैसे ध्रुव राठी टाइप लोगों की जो वीडियोज आती है, अब देखो कितनी कायदे से एडिटिंग होती है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर वो प्रोजेक्ट बेस्ड मतलब किसी से एडिट कराते होंगे तो 10,000, 15,000, 20,000 एक भी, ये भी तरीका होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप कहीं सैलरी पे काम कर रहे हो, 20,000, 25,000, दिल्ली जैसे शहरों में 40,000, 45,000 मिलता है, अगर आपके पास अच्छी स्किल है, आप कितनी परफेक्शन आपके पास है कोरल ड्रा जैसी चीज में, तो आप क्या कर सकते हो, कोरल ड्रा सीख सकते हो, उसके बाद फोटोशॉप सीख सकते हो। भैया जो लोग भी कायदे के डिजाइनर लोग यहां पे देख रहे होंगे वो समझते होंगे फोटोशॉप की वैल्यू, क्योंकि हम जहां पे पेपर बनवाते हैं बोले भैया हम एमएस वर्ड नहीं चला पाते लेकिन फोटोशॉप चला लेते हैं, और एमएस वर्ड से उतना अच्छा पेपर बच्चे नहीं, वो लोग नहीं बना पाते हैं जो लोग प्रॉपर एमएस वर्ड वाले हैं, जितना अच्छा पेपर वो, जितना प्रोफेशनल पेपर वो फोटोशॉप से बना देते हैं, कहते हैं आप मॉडल दो काट पीट के हम सब व्यवस्था कर देंगे, बना देंगे हम पेपर, और हम देखते रहते हैं बढ़िया यार कितना बढ़िया इसके पास स्किल है व्यक्ति के पास, तो फोटोशॉप भैया जितने भी आजकल बड़े बड़े ग्राफिक डिजाइनर हैं ज्यादातर लोग फोटोशॉप का इस्तेमाल करते हैं, बाकी कैनवा वगैरह तो है ही, कैनवा एनवा कंप्यूटर सेंटर वाले नहीं सिखाते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद एक हो गया भैया एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल कह लो, एमएस वर्ड कह लो, यानी पूरा जो एमएस ऑफिस का पैकेज है भैया, ध्यान से समझते रहना, एमएस ऑफिस का, इसमें पावर पॉइंट आ जाएगा भैया। ठीक है, पावर पॉइंट का क्या काम होता है, जो स्लाइड वगैरह कई बार आपने देखा होगा, मैं ऐसे करके चलाते हैं तो स्लाइड आगे चलती है, वो स्लाइड बनती है पावर पॉइंट पे, प्रेजेंटेशन वगैरह में काम आती है, कोई मीटिंग है प्रेजेंटेशन है वहां पे काम आती है। तो इस वीडियो में हम आपको नया क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है, जैसे मान लिया आप बीएससी कर रहे हो भाई, ठीक है, बीएससी के बाद आपको लगता है कि मेरे पास कि भैया 2 घंटे या 1 घंटा बच रहा है, उस 1 घंटे में हम कोई स्किल जो है वो सीख सकते हैं, वो भी हम कंप्यूटर से रिलेटेड सीखना चाहते हैं, क्योंकि आज की डेट में कंप्यूटर
कंप्यूटर पे जलवा हो रहा है भाई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कंप्यूटर सेंटर वालों के पास जाना, उनसे यह नहीं कहना है कि हमें कंप्यूटर सीखना है, उनसे कहना हमें फोटोशॉप सॉफ्टवेयर सीखना है। ध्यान से सुनना मेरी बात, हम क्या बता रहे हैं। और एक एक पत्ता और फेंकना, कहना भैया अगले महीने मेरी ज्वाइनिंग है, एक प्राइवेट नौकरी की हमने बात करी है, उन्होंने कहा कि भाई फोटोशॉप सीख के आओ, या उन्होंने कहा कोरल ड्रा सीख के आओ, इस तरीके की बातचीत कर सकते, भाई प्रिंटिंग प्रेस में मेरी नौकरी लगने वाली है, एक महीने का टाइम है, सर जी एक महीने में हमें सीखना, आप एक के दो घंटे दे दीजिए, दो घंटे सिखाइए, फीस आपकी जितनी होगी, एक आपको अंदाजा भी देता है फीस कितनी होगी। जैसे अगर आप एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल सीखने जाओगे, मेरे हिसाब से एक सॉफ्टवेयर के बहुत ज्यादा आदमी ले लेगा 1000 से 1500 रुपए, इससे ऊपर नहीं लेगा भाई, ठीक है। 1500 रुपए तक अगर एक सॉफ्टवेयर के व्यक्ति ले रहा है, मतलब ठीक है। और अगर आप आपसे कह रहा है कि 2200 रुपए लेंगे, 2500 रुपए लेंगे, पूरा एमएस ऑफिस कायदे से सिखा देंगे। दूसरी बात यह कि सिर्फ भैया ड्रामा नहीं करना है, आपको यह बात याद रखो कि प्रैक्टिस करो, एमएस एक्सेल सिखाया जा रहा तो फिर एक्सेल आना चाहिए, कायदे के व्यक्ति के पास जाना, ये नहीं कहीं कोई कोने में लेके बैठा हुआ है, वो सिखा भी कुछ रहा नहीं है, बेवकूफ बना दिया, ऐसे कोई फायदा नहीं। आपको लगेगा ना सर जी हम 2-3 दिन का ट्रायल लेंगे, जाके देखो लगता है सिखा सकता है तो रुको, बन्ना लात मारो, आगे बढ़ो। हम अपने बच्चों से भी यहां कहते हैं ऑफलाइन में, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, और लात मार के मेरे यहां से चले जाओगे। जब आदमी का काम निकल जाता वो लात मारता निकल लेता, सीधी बात है। तो सीखना है तो सबसे पहले आप एमएस ऑफिस की तरफ जा सकते हो। एमएस ऑफिस में ये होगा, आपको पावर प्रेजेंटेशन बनानी आ जाएगी, शीट बनानी आ जाएगी। तो जो स्कूल होते हैं, स्कूल में जहां पर नहीं कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब होती है, वहां पर आपको जॉब मिल जाएगी जब आप फंसोगे। अच्छे स्कूल हैं तो 15-20 हजार वहां पर मिल जाते हैं, बड़े शहरों में चले जाओगे तो 30-40 हजार आराम से मिल जाते हैं, मिलते हैं भाई, आपके पास स्किल तो हो, ठीक है। उसके अलावा कोई एजेंसी है, कोई शोरूम है, वो लोग भी लगभग 10,000, 12,000, 15,000, डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन, किस लोकेशन में। अच्छे शोरूम में जाओगे लोग लाखों रुपए भी कमा रहे हैं, लेकिन शाहजहांपुर जैसे शहर में भी 10-12 हजार तक की जॉब मिल सकती है अगर आपकी स्किल वाकई में बहुत जबरदस्त है भाई, ठीक है। कोरल ड्रा बता दिया, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह जहां पर डिजाइनिंग वगैरह होती है, प्लस हमने कल वाले में बताया था कि जो ग्राफिक डिजाइनिंग का काम है उससे आप कैसे कैसे पैसा बना सकते हो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर क्लिक करो, कल वाली वीडियो को पूरा डिटेल में देख लो, उसमें वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग को कायदे से समझाया हुआ है। इस वीडियो को समराइज करें तो फालतू की वीडियो, मतलब फालतू के कोर्स करने से अच्छा है किसी एक चीज पे मास्टरी कर लो, चाहे फोटोशॉप सीख लो कायदे से, चाहे कोरल ड्रॉ सीख लो। कंप्यूटर कोर्स नहीं करना है, क्या करना है, मास्टरी करनी है किसी एक चीज के ऊपर। जब आप एक चीज के ऊपर मास्टरी कर लेते हो, वही चीज आपको पैसा कमा के देने लगती, बाकी जिसकी तैयारी कर रहे हो करते रहो, आगे बढ़ते रहो, सब करते रहो, ये आपके तब काम आएगा जब आप फंस रहे होगे। और क्यों फंस रहे होगे, अभी से साथ में जब आप सीखने लगे, हमने कल बताया था अपना एक अकाउंट बनाओ, पोर्टफोलियो बनाओ, सारी चीजें करो, क्या दिक्कत है भाई, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, हाथ भी साफ हो जाएगा, और हो सकता है कुछ अर्निंग भी साथ में करने लगो, 2-4-5-6 हजार रुपए अगर साथ में कुछ अर्निंग भी होने लगी तब भी अच्छा है। आने वाले टाइम में लगा कि नहीं यार यही फील्ड अच्छी है तो प्रोफेशनली आप 30-40 हजार रुपए, 50 हजार रुपए बहुत आराम से कमा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मेरे नोन में कई ऐसे लोग हैं तो लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन हाँ शुरुआत में बहुत बड़ी बात ना करें तो 30-40 हजार रुपए आराम से कमाए जा सकते हैं, ठीक है। तो कैसे, हमने आपको यह भी समझा दिया कि कौन सा कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए, कितनी अर्निंग कर सकते हो स्टार्टिंग लेवल पे, वो भी बता दिया, और कैसे बात करोगे ये भी बता दिया। ऐसे फोटोशॉप है, फोटोशॉप का भी बहुत ज्यादा, अगर कोई व्यक्ति 2000 रुपए तक ले रहा है कायदे का आदमी तो चलेगा, कोरल ड्रा का कोई व्यक्ति 2000 रुपए ले रहा है, बोलोगे ये भी कह सकते हैं हम एक सॉफ्टवेयर नहीं सिखाते, कहना सर जी सीखना है कि जैसे मान लिया तो एमएस ऑफिस सीखना, इसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट वगैरह ये सब सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। पहले अकेला पूछो सर ये एमएस एक्सेल, एमएस ऑफिस पूरा ही सीखना अगर भाई सीखना था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, बाकी अगर आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना है तो वो लेवल कर सकते हो, साथ में बॉल लॉलीपॉप थमाएंगे, ट्रिपल सी वगैरह, ये भी केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया डिप्लोमा होता है, कुछ नौकरियों में काम में आता है, तो आप ट्रिपल सी ओ लेवल की तरफ भी जा सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर टाइम, बजट एंड नॉलेज। हम इसी तरीके से कहते हैं आपका टैलेंट क्या है भाई, कितनी मेहनत कर सकते हो बीएससी के साथ में, वरना ऐसे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स को सीखो, प्रैक्टिस करो, आगे बढ़ो। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।